पंजाब न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा वाहन काटने वाला गिरोह। इस बाबत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए अभियान की जानकारी देते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में थाना सदर बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना को आधार बनाते हुए रोडवेज वर्कशॉप के पास से चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को एक वैगनार कार के अलावा कुछ हथियारों सहित पकड़ा है। ये भी बताया गया कि ये गैंग अंतर्राज्यीय है जो वाहनों को चोरी करके सुनसान स्थानों पर ले जाता है और फिर उन्हें काट कर मेरठ, दिल्ली और अन्य स्थानों पर बेच देता है। थाना क्षेत्र आवासीय चौकी क्षेत्र में एक वैगनार कार चोरी हुई थी और उसमें जब पुलिस ने पड़ताल करी तो कुछ सीसीटीवी जो है आसपास के जितने, चूंकि आपको मालूम है सीसीटीवी उस जगह काफ़ी लगे हुए हैं, तो एक गाड़ी जिससे ये घटना जिससे घटना करीब की गई थी उसका नंबर आया, उसको ट्रेस करते करते हमें पता लगा कि वो गाड़ी भी चोरी की है जिससे ये घटना करी गई है और इसमें लगभग पिछले एक महीने से हमारी पुलिस लगी हुई थी। तो इसमें सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव, सब इंस्पेक्टर असगर अली और इनकी टीम ने SHO सदर बाजार के निर्देशन में पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसमें इन्होंने हमारे यहाँ से चोरी गई एक वैगनार और एक सेंटो जो पहले भी चोरी हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र से, उसके इंजन जो कि जो है लिंक कर लिया गया है और ये दोनों बरामद करी है। प्लस साथ में जिस कार से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उसको भी इन्होंने बरामद किया है। कुछ और भी हमको क्लूज मिले हैं और साथ में जो कुछ इंजन वगैरह मिला है उस पर कुछ नंबर वगैरह उसको पीटा गया है, उसको विरूपित करने का प्रयास किया गया। तो और जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हम जानकारी करवाएंगे कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से, तो उनको जानकारी मिलेगी कि घटना कहाँ कहाँ किस वाहनों के साथ करी गई थी। तो इससे एक बड़े गैंग का खुलासा हो जाएगी पूरी संभावना। यहाँ कभी नहीं रुकता खबरों का सिलसिला, देखते रहिए CTVM न्यूज़।